के जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है, और ये कृष्ण प्रेम वैष्णवों की कृपा से मिलता है। जो प्रेम जिनमें है वो दे सकते हैं। तो आज ऐसी एक महान वैष्णव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपद, आज कितनी तारीख है? 36। ये आगे क्यों पेज खोल के रखा हुआ है? ये सही है कैलेंडर ने कहा? कत्ती नहीं दिख रही है मेरे को। 31 तारीख का। तो आज एक महान वैष्णव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, आज के दिन वो धाम को चले गए थे। उन्होंने देह त्याग दी थी और गोलोक धाम को गमन किया था। भक्ति सिद्धांत महाराज हमारे दादा गुरु थे और आपके परदादा गुरु, बड़ी महान आत्मा थे। देखो तो कहा है कि महाप्रभु ने भी कहा है, शास्त्रों में ही कहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सबसे बड़ी सिद्धि कि कृष्ण प्रेम हो जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है बड़े उच्च कोटि के वैष्णव। देखो ये जो महाप्रभु का आंदोलन है जो 500 साल पहले शुरू हुआ, इन्होंने ही पहले 64 गौड़िया मठ भारत में स्थापित किए थे, और ये हरि नाम का प्रचार, और इन्होंने ही हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी को कहा था 1922 में पहली भेंट में ही कि आप एक पढ़े लिखे नवयुवक हो तो आप कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। तो 1922 में कहा था प्रभुपाद बेचारे सारे जीवन में तैयारी करते रहे 1922 से लेकर 1965 तक। तो आओ पहले उनका श्रवण करें, जो भजन गा करके जो शिला नरोत्तम ठाकुर का दिया हुआ भजन है। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनाता कहा मो कहा दास रघुनत पतिता पावा कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा कहा मोरा एका काले
कोठा गेला गौरा नटरा एका पाशाने कुटी बो माता अनिले पाशी बो पाशाने गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो गौरंग सेसावा संगीला संगे ये कोयलो विला सेसावा संगी से संग न पाया कांदे नरोत्तम दा से संग ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर ये अनिला हे न प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय सिद्धांत ठाकुर जय सिद्धांत ठाकुर प्रभुपा 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 जय जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है शिला सनातन कहाँ है पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु को महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है शिला भक्ति सिद्धांत महाराज तो कैसे साधुओं का संग हो कलयुग में पूर्व काल में जो वैष्णव हुए जैसे आज भक्ति सिद्धांत महाराज का तिरुभाव है
उनका जीवन पढ़ के हम उनका संग करते हैं। तो उनके जीवन के बारे में मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें भक्ति का दान दें। शिला ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद के गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम में शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बाल्यकाल में ही वे शीघ्र वेद विशारद हो गए। उन्होंने भगवद गीता कंठस्थ कर ली तथा अपने पिता श्री की दार्शनिक कृतियों का आस्वादन किया। अपने सुविस्तृत ज्ञान के कारण वे जीवंत ज्ञानकोश के नाम से विख्यात हो गए। उन्होंने जातिवाद तथा गौड़िया वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रत्याकारी प्रचार किया। देखो ये बड़े विचारने की बात है जो हमारे दादा गुरुदेव ने की। कलयुग में जाति पाति नहीं है। भगवान ने भी गीता में कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरी सृष्टि में, इस श्लोक निकालो जरा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, मेरी सृष्टि में मैंने जो चार वर्ण बनाए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से। भगवान ये नहीं कहा जन्म कर्म विभाग से। अभी कोई ब्राह्मण घर में पैदा होता है कर्म तो करता है वो शूद्रों वाले, आप ब्राह्मण आम शराब पीते हैं मांस खाते हैं, वो कहते हैं हम जी पंडित हैं, शास्त्र के विरुद्ध भगवान के विरुद्ध। तो देखो इस चीज़ ने हमारी संस्कृति को बड़ा पीछे कर दिया। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण घर में जन्मता है वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, जबकि कोई ब्राह्मण का लक्षण उसमें है ही नहीं, जिससे समाज में बड़ी गड़बड़ हो गई। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस कार्य में बड़ा काम किया, जाति पाति को खत्म किया। एक रामानंदचार्य हुए वाराणसी में, वो उनको राम जी का अवतार बताया है। उनका सिद्धांत भी हमारे सिद्धांत जैसा ही था। रामानंदचार्य ने एक कहा, मेरे पीछे आप सब बोलो, जात पात पूछे नहीं कोए, हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि का भजन करते हैं वो हरि का हो जाता है, उसकी कोई जात पात नहीं रहती। हाँ, जो भगवान से विमुख है उसकी जात पात है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये बड़ा कार्य किया। तो अब देखो बहुत सारे लोग भारत में, जैसे ये अपना शंकराचार्य, शंकराचार्य जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य, एक बार हम लंदन में थे तो वहाँ एक महात्मा मिले हमको, हमने कुछ बोला प्रवचन था वहाँ प्रोग्राम पर, उन्हें सुना तो उन्हें मेरा नाम पता ले लिया और मुझे कहा कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पर पठानकोट में, आप आइए। मैंने कहा प्रयास करेंगे। प्रोग्राम पे मैं दिल्ली में अपना चंडीगढ़ में था तो एक भक्त था मेरे साथ, उसको लेके हम चले गए। तो हमने ये भी सुन रखा था वहाँ शंकराचार्य भी आए हैं।
हम थे तो वो जो आयोजक थे महात्मा पठानकोट में, मैंने कहा हमारे शंकराचार्य के दर्शन कराओ हमको। वो थोड़े ढीले थे कुछ मतलब, मैंने कहा हमें पता नहीं था, वो जानते थे उनको, तो ले गए हमको। वो ले गए तो जहाँ वो ठहरे हुए थे शंकराचार्य, उस घर में हम गए और तब स्नान घर में गए हुए थे वो। तो हम बाहर बैठ गए उनकी प्रतीक्षा में, एक भक्त था मेरे साथ चंडीगढ़ का, तो क्या हुआ कि मैंने कुछ पुस्तकें वगैरह प्रभुपाद जी की ली और भी कुछ हरिबोल और भी कुछ चीज़ें ली, तो शंकराचार्य को भेंट देने के लिए। तो जब वो बाथरूम से स्नान घर से बाहर निकले, मैं तब दंड भी रखता था साथ में, तो मेरे को देखकर वो आग बबूला हो गए, चिल्लाने लग पड़े। हमारे गुरु महाराज को उल्टे सीधे शब्द बोलने लगे कि गुरु महाराज विदेशियों को क्यों भक्त बना रहे हैं शंकराचार्य पद। जब उसने बोला कि ऐसा किया, मैंने कहा तेरे जैसे व्यक्ति सारी बर्बादी कर रहे हैं। उनके लोग चिल्लाने लगे उसकी तरफ से, मेरे साथ एक भक्त था वो मेरी तरफ से बोल रहा है। तो मैंने उसको यही श्लोक बोला था, मतलब शंकराचार्य जाति पाति में मान रहा है, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। मैंने जब ये श्लोक बोला, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, चार वर्ण और चार आश्रम गुण और कर्म से है, जन्म कर्म से नहीं है। पर फिर कहते मया मया सृष्टम, माया माया के बारे में बोल नहीं सकता, माया में मेरी सृष्टि जैसे श्लोक है। चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मा विद्या कर्तारम मब्यम। माया मेरे द्वारा भगवान, तो मैं ये पता नहीं क्यों नहीं बोल पाया। कहते माया माया क्या अर्थ है, मेरे द्वारा भगवान ने कहा कि मेरे, मैंने जो चार वर्ण और चार आश्रम बनाए हैं ये जन्म कर्म से नहीं है कलयुग में, ये गुण और कर्म से। हमारे गुरु महाराज बताते थे कि आप देखो जो श्रृंगी ऋषि थे, सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जब महाराजा परीक्षित ने प्यास से व्याकुल होने के कारण कलयुग का प्रभाव उन पर भी हो गया, सोने का मुकुट उन्होंने जरासंध का जो जीता था उनके पितामह ने युद्ध में वो पढ़ा तो उन्होंने पहन लिया था, तो वन में थे तो आए प्यास लगी है, तो वो अपने सम्यक ऋषि जो थे वो ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि में थे वो, पानी पानी, तो उनको क्रोध आ गया महाराजा परीक्षित को, उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया वहाँ पड़ा हुआ था उनके गले में डाल दिया। तो सम्यक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि 9 वर्ष के थे बालक, ये होते हैं जन्म से ब्राह्मण, ये प्रभुपाद ने भी इस पर चर्चा की है। उस बालक को दूसरे बालकों ने बताया कि तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है,
उस समय नहा रहा था श्रृंगी निशी नदी के किनारे, जड़ वहीं पर उसने पानी लिया हाथ में, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है उसको तक्षक सांप आज के 7 दिन के बाद काटेगा और वो मर जाएगा। देखो 9 बरस के बालक में श्राप देने की ताकत है, ये जन्म से ब्राह्मण है। अभी कोई जन्म क्यों, एक गर्भदान संस्कार होता है वो संस्कार खत्म हो गया है, इसलिए जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। कलो शूद्रा संभवा, कलियुग में सभी शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार दिजोत्मा वेद पाठी भवद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। देखो अगर कोई जन्म से शूद्र भी है ना, अगर वो ब्राह्मणों जैसे कर्म करता है तो उसको शास्त्र गीता ब्राह्मण मानती है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वो हमारे साथ भी क्यों लोगों को ब्राह्मण बना रहे हैं, शास्त्र के अनुसार महाप्रभु के जो प्रधान अनुयायी थे हरिबोल हरिदास जी का मुस्लिम नाम चाहिए मेरे को, कहीं लिखा होगा है कहीं देखो, हरिदास ठाकुर जो थे हमारे सबसे बड़े चारे थे, मुसलमान थे वो। कैसे थे, क्या महानता थी उनमें, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे, कौन कर सकता है ना 22 घंटे नाम, 2 घंटे में खाना पीना सोना सब काम करने, नहाना सब 2 घंटे में, 22 घंटे नाम जपना। हरिदास ठाकुर जी का मुसलमानी नाम था हबीबुल्लाह, ये हबीबुल्लाह इनका नाम था, और ये खानुल्लाह काजी विलेज बरन सतखीरा जसोर बांग्लादेश, और इनकी दीक्षा शिला अद्वैताचार्य से हुई थी। अद्वैताचार्य पंचतत्व में महाविष्णु के अवतार हैं। हबीब है या हबीब कैसा लिखा है, हैं देखना स्पेलिंग ठीक है ना का। तो महाप्रभु ने उनको नामाचार्य के पद पर स्थापित किया था, और महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो ये बड़ा दोष हमारे समाज में आ गया है, क्योंकि हरिबोल रहने दे इसको क्यों नहीं गया, ये बड़ा दोष है। आदमी ब्राह्मण है नहीं, योग्यता है नहीं, विषय विकार में पड़ा हुआ है, वो दूसरों को उपदेश दे रहा है, खुद पालन कर नहीं रहा। जब कोई आदमी खुद पालन नहीं करता दूसरों को उपदेश नहीं करता, उस पर क्या असर होगा। तो ये बड़ा दोष हमारे समाज में है। तो शंकराचार्य हम पर चिल्लाने लगा, वो मैंने भी उसको सुनाई बात, एक औरत थी जिनके कारण वो बकवास करने लगी बड़ा, मेरे साथ वो भक्त था वो भी बड़ा चिल्लाया। फिर मैं वहीं से प्रोग्राम में, मेरा प्रोग्राम था तो मैं फिर चला, मैंने मेरे गुरु का ये अपमान कर रहा है, तो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए शास्त्र के विरुद्ध बातें करते हैं। अभी देखो राम भगवान शबरी कौन थी, जात की जंगली भीलों की अछूतों की कन्या, लेकिन वो भक्ति करके शुद्ध हो चुकी थी, और इतनी भक्ति थी उसमें, इतना भाव था कि भगवान को अपने जूठे बेर खिलाए उसने, इन्हीं खिलाना चाहती थी। भाव ये था कि केवल बेर जो हैं वो खट्टे भी होते हैं, भगवान को खट्टा बेर जाएगा तो अच्छा नहीं है, तो उसने चखना, मीठा हो तो भगवान के हाथ में देना, खट्टा हो तो फेंक देना। तो हमारे दादा गुरुदेव ने भी ये बड़ा काम किया, ये थोड़ा पढ़ लें, मेरे द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अभ्यक करता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है,
उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वेग ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग है। बुद्धिमान लोग जो हैं वर्ग आता है जो सतोगुणी होते हैं, होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं, जिनमें सतोगुण है वो ब्राह्मण है। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग जो वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो और तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना अमृत विकसित हो सके। क्रमिक धीरे धीरे कृष्ण भावना बढ़ेगी, एकदम नहीं बढ़ जाएगी। किसी विशेष व्यक्ति को कि किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। जो कृष्ण भक्त है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम नृसिंह वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होते हैं। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का, तो भगवान जो हैं वो किसी वो सबसे परे हैं। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वो जाति विभाग में नहीं आते, उनकी वो वैष्णव, भगवान विष्णु कृष्ण के भक्त वैष्णव। तो भक्त के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। अभी देखो कि एक बार मैं दिल्ली में था तो मुझे पंजाबी बाग जाना था, तो एक शिष्य के घर में थे, कहते महाराज ये एक हैं ये आपको छोड़ देंगे पंजाबी बाग। बैन थी उनके पास, मारुति में बैठ गया, पूछा मैंने क्या नाम, उनको बताया कुछ शर्मा बताया, पता पहला नाम तो मेरे ध्यान में नहीं। मैंने कहा काम क्या करते हैं आप, कहते हैं हमारी जूतों की दुकान है। अभी जो जूते बेच रहे हैं तो ब्राह्मण हुआ, जवाब दो, ये आम हो रहा है। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ये दोष है बहुत बड़ा। इसको खत्म करने के लिए हमारे दादा गुरु ने बड़ा प्रयास किया। देखो कर्म से आप सब जितने यहाँ बैठे हो या जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। कैसे? भक्ति पद को अंगीकार करके, भक्ति को अपना करके वह
ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण से परे है, बाकी जाति बांति से परे हैं। अभी जैसे हरिदास ठाकुर और हमारे रूप सनातन वो थे ब्राह्मण थे, लेकिन उनके नाम भी बदले गए थे। नवाब की सरकार में वो थे एक प्राइम मिनिस्टर एक फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये ऐसी विभूतियाँ, लेकिन ऐसे लोग जो शरीर के स्तर पर हैं वो विरोध करते हैं। और शंकराचार्य की बात बता रहा हूँ, इस शंकराचार्य ने हमारे गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी जो परम वैष्णव हैं, गुरु महाराज ने रथ यात्रा प्रारंभ की थी। पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ये नहीं जिस दिन पुरी में होती है, किसी भी दिन भगवान की रथ यात्रा निकालने के आस में, और लाखों लोग उसमें आते थे, दुनिया भर के लोग भाग लेते थे। तो ये कहता कि नहीं, रथ यात्रा जिस दिन पुरी में होती है उसी दिन सब जगह होनी चाहिए। हिंदुस्तान में तो बदलना पड़ा, हमारे भक्त भी बेचारे ढीले ऊपर जो बैठे हैं उनकी बातों में आ गए, और ये धमकी दे रहे हैं, कहते हैं हम हमारा एक सेंटर उधर भी है उड़ीसा में भुवनेश्वर में, कहते हम आपके सेंटर को फूंक देंगे, वैसे डर गए सारे। और अभी भारत में जिस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है उसी दिन होती है। पहले कोई भी दिन आप चुन के अच्छा दिन चुन के कर लो, ये हमारे गुरु महाराज ने किया। तो इस शंकराचार्य ने और बाकी मिल करके ऐसा काम किया। तो अपने ही लोग जो हैं वही अपने धर्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे दादा गुरुदेव जो हैं उन्होंने जातिवाद तथा गौड़ीय वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रत्येककारी प्रचार किया, प्रत्येककारी प्रचार किया। उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। चार संप्रदाय हैं, पहले ये आपके संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ये संप्रदाय ब्रह्म जी ने शुरू की थी। दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जो चार कुमारों ने शुरू की थी, सनक सनंदन सनातन और संत। तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय, जो माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जो शंकर भगवान ने शुरू की थी। ब्रह्मा जी ने, कुमारों ने, लक्ष्मी माता ने और शंकर भगवान ने। इन चारों संप्रदायों में परमपिता भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई है। तो ये यहाँ जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, वैष्णव सिद्धांत पर अपने निर्भीक व सशक्त प्रवचनों के कारण उन्होंने सिंह गुरु नाम अर्जित किया। ये इतने पक्के थे हमारे दादा गुरुदेव शिला भक्ति स्नाथ प्रभुपाद, मतलब शास्त्र के अनुसार निर्भीक निडर बोलते थे, तो इनको सिंह गुरु की उपाधि मिली थी। शेर गुरु हैं, किसी डरते नहीं है, सच्चाई बोलने के लिए बड़ा दम चाहिए ना। जो लोग शुद्ध नहीं हैं मोह माए फंसे हुए वो विरोध करते हैं। अभी देखो शंकराचार्य पद पर बैठा हुआ विरोध कर रहा है, कैसे कैसे ये हमारा समाज बचेगा, कैसे कल्याण होगा। तो इनको सिंह गुरु की उपाधि मिली थी। सिंह गुरु का सामना होने से बचने के लिए मायावादी उस गली को पार कर निकल जाते हैं। अभी देखो एक लोग हुए मायावादी, मायावादी वो कौन है जो भगवान कृष्ण के शरीर को माया का बना हुआ कहते हैं। जैसे मेरा शरीर माया का बना हुआ है, इसका जन्म हुआ बड़ा हुआ एक जैसा लगा, वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ मृत्यु हो जाएगी, शरीर छोड़ना। लेकिन भगवान का शरीर जो है वो माया का बना हुआ नहीं है। भगवान का शरीर सत चित आनंद विग्रह, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण।
भगवान का जो विग्रह है वो सच्चित आनंद है, सत्य मत सत्य है, चित्त पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में। हमें ना, हम ना सत्य हैं ना ज्ञान से परिपूर्ण है ना आनंद में है, कभी दुखी कभी थोड़ा सा सुख हो गया। भगवान सच्चित आनंद विग्रह, ये ब्रह्म जी ने कहा परीक्षा लेने के बाद। तो ये बातें भगवत प्राप्ति के लिए सबको समझना बड़ी जरूरी है। एक साहसी प्रचारक होने के साथ साथ वे समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे तथा भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने भारत में 64 गौड़िया मठ मंदिर तथा तथा बर्मा, इंग्लैंड एवं जर्मनी में भी केंद्र स्थापित किए। ये हमारे दादा गुरुदेव ने किए थे। हमारे दादा गुरु भक्तिदानंद महाराज के, उन्होंने भी विदेशों में लोगों को भेजा था, लेकिन वहाँ से लोग आकर हाथ खड़े कर दिए थे उन्होंने कि अगर अंग्रेज़ों को प्रचार करना है तो हमें पेंट कमीज पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, मांस भी खाना पड़ सकता है, हम नहीं प्रचार कर सकते। हाथ खड़े कर दिए थे बाकियों ने, लेकिन गुरु महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार प्रभुपाद ने किया। तो शिला सतसुज ठाकुर ने नवदीप के धन लोलुप गोस्वामी वर्ग के प्रचंड प्रतिरोध के होते हुए भी श्रीधाम मायापुर में योगपीठ पर अपने गौरवशाली पिता द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य की प्रकट स्थली के प्रकट स्थली को विकसित किया। उन्होंने वहाँ पर एक मनोरम मंदिर बनवाया। मद्रास, कलकत्ता एवं कृष्णानगर में स्थित उनके 3 बृहत मृदंग मुद्रण गृह प्रिंटिंग प्रेस श्री गौरांग महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु अगण्य पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। चैतन्य महाप्रभु का संदेश फैलाना, क्योंकि कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। तो हमारे दादा गुरुदेव ने बड़ा कार्य किया। मद्रास, कलकत्ता एवं कृष्णानगर में स्थित उनके 3 बृहत मृदंग, जब उनसे प्रश्न किया जाता कि वे नदिया प्रकाश नामक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे थे, तब शिला सरस्वती ठाकुर का उत्तर था, यदि एक नगण्य नगर 5 दैनिक समाचार पत्र निकाल सकता है तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में उनकी अविरत नित्य नूतन दिव्य गतिविधियों के विषय में प्रतिक्षण एक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकते। अपने पिताश्री शिला पिताश्री की रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रमाणिक शास्त्र भी प्रकाशित किए। इनके पिताजी की बहुत सारी रचनाएं हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर, पर इनके भी बहुत सारे ग्रंथ हैं।
भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका एवं उनका प्रिय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत इनको बहुत प्रिय था। चैतन्य चरितामृत उन्होंने भविष्यवाणी की शिला कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत में रचित सुधा का रस लेने हेतु विदेशी बंगाली सीखेंगे। चैतन्य चरितामृत बहुत दिव्य है और विदेशी लोग बंगाली सीख ले रहे हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत जो है ये बंगला भाषा में है। प्रचार कार्य के व्यापक बनाने हेतु उन्होंने नव प्रवर्तन किए। भारत भर में उन्होंने श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाई थी। प्रतिमाओं तथा दर्शनीय प्रतिमाओं, अन्य धार्मिक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण इधर से आवाज नहीं आ रही महामंत्र की। हरे राम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाती प्रतिमाओं तथा अन्य धार्मिक प्रदर्शनियों का निःशुल्क आयोजन किया। अत्याधुनिक शिल्प विज्ञान प्रयोग में लाते हुए उन्होंने चलायमान कठपुतलियों का भी प्रदर्शन करवाया। जहाँ जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े थे वहाँ वहाँ उनकी स्मृति स्वरूप उन्होंने संगमरमर के पर अंकित भगवान के चरण कमलों के विहन उनके चिन्ह स्थापित किए। रीति विरुद्ध जाते हुए उन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते तथा ओवरकोट पहनने की तथा कार एवं मोटर बोट में सवार होने की आज्ञा दी और उन्होंने महाप्रभु का संदेश समुद्र पार यूरोप तक पहुंचाने का
पुचानी को कहा, वो प्रभुपाद जी को कहा था, हमारे गुरु महाराज को, शिला भक्ति सिद्धांत तत्व थी ठाकुर के क्रांतिकारी प्रचार विचार रस रसाचार्य शिला रूप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित युक्त वैराग्य के शास्त्रीय सिद्धांत से उभर कर आए। एक नित्य मुक्त जीव होने के कारण शिला सरस्वती ठाकुर को ज्ञान था कि माया को माया माया की किस प्रकार यथोचित श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न किया जाए। शिला ठाकुर भक्ति विनोद के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उन्होंने सामाजिक सामंजस्य तथा सबको आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने के लिए देवी वर्णाश्रम का प्रचार किया। श्री रूप गोस्वामी एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया तथा सैकड़ों लोगों को आलोकित किया कि किस प्रकार श्री श्री गंधर्वी का गिरिधारी के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त हो। भारत में उनके प्रचार कार्य की चमत्कारिक सफलता की अतिरिक्त शिला भक्ति सिद्धांत सत्यदेव ठाकुर का महानतम योगदान था उनके सर्वोपरि शिष्य शिला ऐसी भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी को हमारे गुरु जी को इन्होंने हमारे दादा गुरु ने कहा था कि आप अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। 1922 से लेकर 1965 तक प्रभुपाद तैयारी करते रहे। श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया तथा सैकड़ों लोगों को आलोकित किया कि किस प्रकार श्री श्री गंधर्वी का गिरिधारी के प्रति बुद्धि प्रेम प्राप्त हो। भारत में उनके
प्रचार कार्य की चमत्कारिक सफलता से सफलता के अतिरिक्त शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महानतम योगदान था। उनके सर्वोपरि शिष्य शिला एसी भक्ति विनायक स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी और तथा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का वितरण करने हेतु प्रेरित किया। जब श्रील प्रभुपाद को अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्रांकन करने को कहा गया, तब वे बोले, मैं क्या कहूँ, कह सकता हूँ, वे तो बैकुंठवासी थे। अपने गुरुजी के प्रभु लिए कहते, प्रभुपाद कहते थे वे बैकुंठवासी थे। गौलोक वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य लीला में श्रील सरस्वती ठाकुर लवनमणि सरस्वती ठाकुर नयनमणि मंजरी के रूप में सेवारत हैं। उनकी पुण्य समाधियां राधा कुंड एवं राधा दामोदर मंदिर में है। बोलो शिला भक्ति स्नान सत्ताकर माने प्रभुपाद की। तो ये एक इनके जीवन की बात, देखो महान आत्मा कैसी होती हैं। जब हमारे दादा गुरुदेव छोटे थे तो आम रखा हुआ था भगवान को अर्पण करने के लिए, बच्चे थे, इन्होंने वो आम खा लिया। तो इनके पिताजी शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, देखो बेटा, वो आम तो भगवान को अर्पण करना था, तूने खा लिया, बच्चे थे, कहते मैंने बड़ा अपराध कर दिया, इन्होंने पूरे जीवन आम ही नहीं खाया। अगर इनको कोई आम अर्पण करते, क्या मैं अपराधी हूँ, मैं आम नहीं खा सकता। एक गलती से आम खाया गया जो भगवान के भोग के लिए था, जीवन भर इन्होंने आम नहीं खाया। और इनके जीवन की एक घटना और, इनका जन्म पुरी में हुआ। इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जो है वह प्रबंधक थे जगन्नाथ मंदिर के, जगन्नाथपुरी के मंदिर के। तो रथ यात्रा के दिन जब जगन्नाथ भगवान इनके घर के आगे से जा रहे थे पुरी में रथ पे बैठकर जगन्नाथ भगवान, तो रथ वहां रुक गया वो दिन। तो झट भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी, इनकी माता, हमारे दादा गुरुदेव की माता ने अपने बेटे को लाया और जगन्नाथ जी के आगे रख दिया, विघ्ना के आगे रख दिया। तो झट विघ्ना से एक माला भगवान ने बच्चे के गले में डाल दी। ये भी इनके जीवन की घटना है। तो ये महापुरुष जो हैं, इनका जीवन तो दूसरों के लिए होता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन सारे संसार के लिए था। इन्होंने ही प्रभुपाद जी को बोला कि आप विदेश में प्रचार करो। लोशिला भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आप सब इनके चरण में प्रार्थना करो कि हमें भक्ति का दान दो। बस इन वैष्णवों से, जो बड़े पक्के वैष्णव, देखो बाल रूप में छोटे बच्चे हैं और सारे जीवन आम खाए नहीं,
आम जो कितना अच्छा फल है इन्होंने नहीं खाया, कहते मैं अपराधी हूँ, मैंने भगवान का आम खा लिया था। तो इन पर कृपा दी भगवान की, इतने महान इनकी कृपा, इनके पिता और इन पर कृष्ण की बड़ी कृपा थी। तो इनसे बस यही याचना करो, मेरे पीछे बोलो, हे शिला भक्ति स्नान सातुज ठाकुर महाराज, आज के दिन आप गौलोक धाम को गमन किए थे, मैं पति जी वो माया में फंसा हुआ हूं, गौलोक धाम से मुझे दीनहीन पर कृपा करो और प्रेम भक्ति का दान दो। बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्ति सरस्वती ठाकुर हमारे प्रभुपाद की। प्रभुपाद शिक्षा आज 31 तारीख है, 31 ही कहा मैंने, मैंने 31 ही कहा, 31 तारीख को ये प्रभुपाद ने बंबई में ये कहे थे शब्द। वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। उन्हें कृष्ण नहीं मिलते तो वे पागल हो जाते हैं, हालांकि वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान हैं। यह शुद्ध प्रेम है, उनकी परम शक्ति के ज्ञान का अभाव, कोई गंदगी नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। तो ब्रिजवासी जो है ना, बहुत प्रेम करते थे कृष्ण भगवान से। ये आज के दिन प्रभुपाद कह रहे हैं मुंबई के लेक्चर में, और ब्रिजवासी भगवान को बड़े प्रिय थे, और भगवान को ब्रिजवासी प्रिय थे, ब्रिजवासियों को भगवान बड़े प्रिय थे। तो उनका सीधा भाव था। अभी देखो कि जैसे सुधा मैया, सुधा मैया भगवान खेलने में बड़े निपुण थे, खेलते रहते थे, बाल लीलाएं करते थे। तो सुधा मैया कहती थी सारे दिन खेलता रहेगा, इतना कमजोर हो गया, खाटा कुछ नहीं, डांटती थी माता। तो ये अच्छी लगती है बातें, भगवान को कौन डांट सकता है, उनके भक्त भक्त उनको। सुधा मैया ने तो बांध दिया था ना उनको, वो भजन निकाल भाई जो सुधा मैया ने बांधा था, प्रेम दी जंजीर नाल, ये भजन सुना देता हूँ मैं आज। सुधा जी का माता का नाम आया, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनिए, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनिए, किसे तरकी बना सांबरे नू बनिए, पुछिए जशोदा कोलो दस मैया हाल निकी, पुछिए दस हाल नी कि मैं शाम बनिया सी,
भूख ले देना कि मैं श्याम बनिया उखली दे नालनी उखली दे नालनी उखली ओहो जई तरकीब नाल सांवरे नू बनी ओहो जई तरकीब सांवर प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनी प्रेम सवा पिच द्रौपदी ने श्याम नू पुकारिया सवा पिच द्रो साड़िया दा रूप मेरे सांवरे ने धारे साड़िया दा रूप सांवरे ने सांवरे ने तारिया ओहो जेई नीर नाल सांवरे नू बनी है ओहो जेई नी प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनी प्रेम दी सांबरे नू बनिए सांबरे नू बनिए सांबरे नू बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो सांवरिया भगवान की भगवान को प्रेम से यशोदा जी ने वो प्रेम से बांध डाला भगवान प्रेम से बंध जाते हैं वो बस वही प्रेम करना हमने सीखना है शिला भक्ति स्थान सतीश ठाकुर प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमारे गुरुदेव के पूजनीय थे जिनको हमारे गुरु महाराज कहते थे वैकुंठ में मेरे गुरु महाराज वैकुंठ से हैं और मैं हम अपने गुरु जी को कहते हैं हमारे गुरु महाराज गौलोक धाम से थे प्रभुपाद गौलोक धाम और भक्ति सिद्धांत महाराज वैकुंठ धाम बोलो वैकुंठ वासी शिला भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे बोल पता नहीं लग रहा शब्द ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम आज साल का अंतिम दिन है आपसे प्रार्थना है कि आपके इस दास से कोई भी अपराध हुआ हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए आशीर्वाद दें कि आने वाला साल भी आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें आपके चरणों की सेवा वैष्णवों की सेवा और प्रचार करते रहें गुरु महाराज जी जब से आपके चरणों की शरण में आए हैं तब से मंगल आरती दर्शन आरती और सारे प्रोग्राम नियम से कर रहे हैं जल्दी ही फूड फॉर लाइफ भी शुरू करने का प्रयास है जल्दी गुरुकुल जल्दी ही फूड फॉर लाइफ भी शुरू करने का प्रयास है गुरुकुल फूड फॉर लाइफ फूड फॉर लाइफ सिनेमा हॉल पर जहां आपने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया था वो अब कंप्लीट भक्ति हाउस बन गया है वहां काफ़ी भक्त आते हैं गुरु महाराज कृपा करके
फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम को कोई नाम दे दीजिए, आपका और प्रभुपाद जी का फोटो के साथ डिज़ाइन बनाकर आपका अप्रूवल भेजेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। क्या नाम देने के लिए? फूड फॉर लाइफ भी ठीक है ना। ऋषि मुनि दास जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपने अपने सिनेमा हॉल को भी मंदिर बना दिया, बहुत अच्छा है। इस जीवन में अगर हम कुछ भी भगवान के लिए करते हैं तो ये हमारा श्रेय है, क्रेडिट है। बाकी अपने लिए दुनिया ने बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वो यहीं का यहीं रहेगा। जब भगवान के लिए करेंगे तो वो हमें आगे प्राप्त होगा। वैसे तो संदेश है, गौलोक धाम, वैकुंठ धाम, वैकुंठ में जाना, उसके लिए तैयारी करना। तो आप अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा, हमें प्रसन्नता है। और प्रभुपाद जी के चरणों में और भक्ति सिद्धांत महाराज के चरणों में प्रार्थना करो कि आपको भक्ति और शक्ति दें और आप ये कार्य बड़े जोर शोर से करते रहो। हरे कृष्ण। डॉक्टर विशाल महाजन अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे घर में आपकी कृपा से ट्विन्स बेबी हुए थे 1.5 साल पहले, लेकिन वो प्रतिदिन रात को 2-3 बजे के बीच सोते हैं, जिस कारण मेरी मंगल आरती बिल्कुल बंद हो गई है। आप कृपा करें कि मैं फिर से मंगल आरती शुरू कर सकूं। 2 बजे क्या सोते हैं वो? सोते नहीं, 2 बजे सोते हैं। जब जाग रहे हो तो आप साथ साथ ही मंगल आरती कर लिया करो विशाल जी। जैसे बच्चे भी भगवान का ही स्वरूप हैं, मंगल आरती करने का प्रयास करो। वो बच्चों के अपनी जिम्मेदारी आपकी है या आपकी धर्म पत्नी की है? पत्नी आपकी नहीं, बच्चों को संभालती। एक आप ट्विन पैदा हुए ना, दोनों लड़के, तो आपके पास ट्विन बच्चे जो हैं, 2 हैं, तो एक पाल कर हमको दे देना, प्रचारक बनाएंगे हम उसको, या हमारे पास उसको दे देना और प्रचारक बनेगा, भक्ति करेगा तो उद्धार होगा सभी का। सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। हरे कृष्ण। अभी एक एक करके आइए और प्रसाद लेते जाइए, पहले सबसे पहले तेरे को। चलो